Hello friends, once again welcome back in my YouTube channel. Friends, today I am going to discuss about engineering drawings. इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, इसके रिलेटेड हम लोग कुछ चीज़ें सीखेंगे, प्लस हम सिविल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या रोल है, इसमें क्या स्टैंडर्ड साइजेस रखते हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. जैसा कि आपने लाइन तो बहुत ढेर सारी पढ़ी होंगी, बट कौन सी लाइन कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या इसके बारे में आपने पढ़ा है. आपने पेपर साइजेस देखे होंगे, कभी A4 देखते हैं, कभी A3 देखते हैं. अब इंटरव्यू में आप जब जाते हो फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि इंटरव्यूअर के सामने पेपर जरूर होते हैं, तो मैक्सिमम चांस होता है कि पूछ लेते हैं A4 पेपर का साइज बता दो या A3 का साइज बता दो. तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर A4 या A3 क्वेश्चन पूछा कि A3 पेपर साइज क्या होता है, A1 पेपर साइज क्या होता है, इसको कैसे याद करेंगे, क्योंकि देखिए याद करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इजीली याद कर सकते हो A3 A4 के पेपर साइजेस, साथ ही साथ कौन सी लाइन कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं. इसके अलावा हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वॉल की थिकनेस कितना रखते हैं, स्टेयर केस के लिए राइज एंड फॉल कितना रखते हैं, ये सारा चीज़ राइज एंड ट्रेड कितना रखते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं टाइप्स ऑफ लाइन पे. तो टाइप्स ऑफ लाइन, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत ढेर सारे टाइप्स के लाइन आपने देखे होंगे, लेकिन जो मेजर टाइप्स ऑफ लाइन है, ऑब्जेक्ट लाइन. अब आपको डाउट ये रहता है कि सर ऑब्जेक्ट लाइन होती कौन सी है. ऑब्जेक्ट लाइन, अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है, मान लीजिए कि आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, इस तरीके से आपके पास कोई एक बॉक्स है, इस बॉक्स में जो ये लाइन होती है, जो मेजर लाइन है, जो सबसे ऊपर दिखती है आपको एकदम, मतलब जो सेड लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट लाइन. ठीक है, इसको बोलते हैं मेजर लाइन. तो ये मेजर लाइन जो होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन. ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन आपको पता होगा, दैट इज हिडन लाइन. हिडन लाइन क्या होता है, ये डस्टर है, इस डस्टर में ये जो पीछे का पार्ट है जो आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, दैट पार्ट इज व्हाट, दैट पार्ट इज हिडन लाइंस. मींस अगर हम लोग इसको बोले तो है, देखिए हिडन लाइन में बीच बीच में कट्स होते हैं, ऐसे इस तरीके के कट्स होते हैं, और ये पोर्शन जो नहीं दिख रहा है, ये पोर्शन दीज आर दी हिडन लाइंस. ठीक है, तो आपको हिडन लाइन भी जानना चाहिए. इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लाइन होता है जिसको बोलते हैं सेंटर लाइन. सेंटर लाइन, ठीक है. अब सेंटर लाइन क्या होता है दोस्तों, सेंटर लाइन में क्या करते हैं हम लोग, एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन. ये कब, जैसे कि आपको आपने बीम इंपोर्ट करना है, आपको कोई लाइक आपने जैसे ऑटोकैड प्लान बनाया है, तो आपने उसको स्टैट प्रो में इंपोर्ट करना है, तो वहां पे आप लोग उसमें बोला जाता है ना कि सेंटर लाइन प्लान ड्रॉ करो, कॉलम्स की पोजीशन ड्रॉ करो, तो सेंटर लाइन प्लान ड्रॉ करने के लिए इस टाइप की लाइन को हमको यूज करना पड़ेगा. इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास सेक्शन लाइन. सेक्शन लाइन तो सिविल इंजीनियर को अगर नहीं पता है तो इंजीनियर ही नहीं है. क्यों? क्योंकि सेक्शन लाइन कट करके ही हम लोग किसी प्लान का सेक्शन कट करके देखते हैं कि ये दिखेगा कैसा. सेक्शन लाइन केवल प्लान के लिए नहीं होता, सेक्शन लाइन किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए भी आप ड्रॉ कर सकते हो, कि आपका कोई मैकेनिकल का इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी सेक्शन लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो. तो सेक्शन लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. एक यहाँ पे एक बड़ी लाइन होती है, दो छोटी लाइनें होती है, फिर एक बड़ी लाइन, दो छोटी लाइन, इस तरीके से जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्शन लाइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेक्शन लाइन. अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लाइन होती है जिसको बारे में आपको नहीं पता होगा, ब्रेक लाइन. ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन क्या होता है दोस्तों, ब्रेक लाइन मींस कोई ऑब्जेक्ट है, ये डस्टर है, इसको डस्टर को यहां से हम अगर ब्रेक करके देखें तो हमारा क्या क्या पार्ट दिखेगा, दैट पार्ट इज व्हाट, दैट पार्ट इज ब्रेक लाइन. तो इसको हम लोग सिंबल कैसे देते हैं, कुछ इस तरीके से, ये क्या होता है हमारा ब्रेक लाइन होता है. मैं ऑटो के डायमेंशन में भी मैंने एक क्लास लिया था, उसमें मैंने आपको ब्रेक लाइन के बारे में डिस्कस किया था, अगर नहीं देखा तो उसको भी आप देख लीजिएगा. नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटेंशन लाइन. मैं डिस्कस करता हूं, उससे पहले मैं एक बार लिख देता हूं यार. इसके बाद होता है हमारा डायमेंशन लाइन. डायमेंशन लाइन इसके बाद हमारा एक लाइन होता है जिसका नाम है फैंटम लाइन, जो बहुत कम लोगों ने सुना होगा, फैंटम लाइन. तो सबसे पहले हम लोग एक्सटेंशन लाइन की बात करते हैं. अगर हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल है इस तरीके से फ्रेंड्स, उस रेक्टेंगल में डायमेंशन हमको निकालना है, तो कहां से कहां तक के डायमेंशन को हमको दिखाना है, दैट टू लाइंस आर कॉल्ड एक्सटेंशन लाइन. इन्हीं दो लाइनों को क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन. इन्हीं के बीच में हम लोग लिखते हैं यहां पे 5 mm और एक लाइन ड्रॉ करते हैं. That line is what? That line is dimension line. जो 5 mm की line है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, dimension line बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, extension line बोलते हैं.
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आप किसी भी ड्राइंग को बनाते हो, ड्राइंग बहुत गलत बना देते हो आप लोग। तो अगर आपको टाइप्स ऑफ लाइन या लाइन का ज्ञान है, मैं इस पर और भी वीडियोज बनाऊंगा कि लाइन की थिकनेस कहाँ पर कितना रखते हैं, मतलब लेआउट के लिए कितनी थिकनेस रखते हैं। और इसके बाद अब जैसे कि बनाते हो ना टाइटल बार, टाइटल बार का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, इन सब की चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको लास्ट तक देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। फैंटम लाइन, फैंटम लाइन क्या होता है? फैंटम लाइन मीन्स एडजस्टमेंट लाइन बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक यहाँ पे ब्रिक है और एक यहाँ पे ब्रिक है, इनके बीच में एक छोटा सा ब्रिक आपको लगाना है, और ये ब्रिक जो है ये ब्रिक का साइज भी 5 mm है और ये गैपिंग भी 5 mm है, या ये 5 cm और ये भी 5 cm। अब इसको एडजस्ट करना प्रॉब्लम जाएगी ना, क्योंकि 5 mm का ही स्पेसिंग है और 5 mm का बॉक्स भी है आपका। तो उसको क्या करना पड़ेगा, कॉर्नर कॉर्नर से एडजस्ट करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। दैट एडजस्टमेंट लाइन इज कॉल्ड फैंटम लाइन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लाइन है जिनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ऑफसेट लाइन, हिडन लाइन, सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन, ब्रेक लाइन, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, फैंटम लाइन। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है को क्या, मल्टी लीडर या लीडन लाइन जिसको बोलते हो आप लोग। लीडन लाइन क्या होता है, देखा होगा आपने आपका स्टेयर कैसे से बना हुआ है, और प्लान में ऐसे लिखा हुआ है स्टेयर केस, और यहाँ पे एक एरो बना हुआ है ऐसे, और यहाँ पे लिखा हुआ है अप 14 राइज। ये जो एरो है, दिस एरो इज कॉल्ड लीडर लाइन, दिस एरो इज कॉल्ड लीडर लाइन। और ये क्या है दोस्तों, अप 14 राइज मीन्स 14 स्टेयर्स और आपको ऊपर जाना है। और यहाँ पे फिर क्या लिखा रहता है, एक यहाँ पे एक ब्रेक लाइन का सिंबल रहता है, मतलब कंटिन्यू आपको 14 तक जाना है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ लाइन जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने आपसे प्रॉमिस किया कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर करेंगे, कैसे याद करेंगे, पेपर साइजेस। पेपर साइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे बहुत ही जल्दी आप पेपर साइजेस याद कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अभी पेपर साइजेस के बारे में देखेंगे, किस तरीके से कौन से पेपर साइज को कैसे याद करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे कैसे पेपर साइजेस को याद करते हैं। यहाँ पे पेपर साइज, पेपर साइज मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, हम A4, A3, A2, A1 और A0 पेपर साइजेस की बात कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि A4 पेपर साइज क्या होता है। तो कई लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपको बोलूँगा केवल A4 का आप याद कर लीजिए, आगे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे A4 पेपर साइज लिखना है 210 × 297 mm। अब ये देखिए गलती क्या होती है हमसे, कि हमने ऐसे लिखा और ये गलत है। गलत क्यों है, या तो यहाँ पे एम एम स्क्वायर लिखना चाहिए और या तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि 210 mm × 297। इसके बाद हम लोगों के पास जो A3 होता है, अब A3 में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 297 को इधर बुला लीजिए, 297 इधर आ गया, और ये जो है इसका जस्ट डबल कर दीजिए। तो इसका डबल क्या होगा, 210 का डबल क्या होगा, 420, बस हो गया हमारा 420। तो आपका ये पेपर साइज भी बन गया। इसके बाद तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, A3 का साइज हमने लिख दिया कितना, 297 × 420। अब इसके बाद जैसे ही A2 आता है, A2 में थोड़ा सा सावधानी, 420 इधर लीजिए और उसके बाद इसका डबल कर दीजिए। अब 297 × 2 तो कितना आ गया, 594। ये आपने लिख दिया 594। यहाँ पे mm लिखना मत भूलिए। और इसके बाद यहाँ पे जब आए A1 पे, थोड़ी सी और ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्या रखना है, 594 इधर ले लीजिए × 420 का डबल, बट उसमें एक बढ़ाना पड़ेगा, A1 मतलब एक बढ़ाना है और A0 में भी एक बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे, 420 का डबल कितना होता है, 840, और 841 बढ़ा दिया हमने, कितना हो गया, 841 mm। इसके बाद जैसे हम लोग A0 पे जाते हैं, A0 पे जाने के बाद यहाँ 841 को इधर बुला लीजिए, 841 इंटू इसका डबल प्लस 1, तो इसका डबल प्लस 1 करेंगे तो 1189 आएगा, कितना आएगा, 1189 mm। चेक भी कर लेते हैं एक मिनट के लिए, 594 × 2 1189, परफेक्ट। तो हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, इसको हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पेपर साइज बहुत इजीली लिख सकते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी कई कई इंटरव्यू में पूछते हैं कि इंचेस में बताओ, तो आपको कन्वर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है, उसका तो बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट की है। देखिए क्या है, अब A4 को आपको पता होना चाहिए, A4 को अगर केवल आपने याद कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, 8/2 × 11 इंच। अब 8/2 × 11, अब उसने पूछा A3, सामने वाले ने पूछा A3, तो A3 को क्या करेंगे, 11 को इधर लेते आइए और 8/2 को डबल कर दीजिए, कितना आएगा, 17। तो हम लोग यहां पे क्या कर देंगे, 17 इंच।
इसके बाद अगर आपसे A2 पूछा जाता है, आप 17 को इधर करिए और 11 का डबल कर दीजिए, कितना आ गया 22 इंचेस। अब 22 को इधर ले आ दीजिए इंटू 17 का डबल कर दीजिए, कितना आया 34। इसके बाद इसको 34 को इधर कर दीजिए इंटू 22 का डबल कर दीजिए, इसमें आपको बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, तो आपको प्रॉपर मिल जाएगा कि कितना साइजेस रखते हैं। देखिए बहुत ही इजी था ना, मतलब केवल आपको क्या याद करना है, A4 का याद करना है mm में और इंचेस में। तो अब से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पेपर साइजेस के। अगर किसी ने पूछा है इंटरव्यू में तो आप नहीं बता पाओ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपने एक ट्रिक देख लिया है डबल करने का। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग ने अभी अभी बोला कि अगर हमारे पास स्टेयर केस है, तो स्टेयर केस आपको पता होना चाहिए कि स्टेयर केस के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? सबसे पहला उसमें जानना चाहिए हमको कि राइज कितना होता है स्टेयर केस का। तो स्टेयर केस का राइज जो होता है, वो राइज हम लोग को पता होना चाहिए, राइज ट्रेड। अब राइज क्या होता है, राइज से आप लोग स्टेयर केस में जो आप ये करते हो इस तरीके से, ये राइज होता है, और ये क्या होता है, ये ट्रेड होता है, फिर राइज फिर ट्रेड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी साइज कितनी होती है। तो ये 6 इंचेस लेते हैं दोस्तों, कितना लेते हैं 6 इंचेस। अब कहीं पर अगर जगह की कमी है तो ये 6 इंचेस से आप 7.5 इंचेस भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो, कॉमर्शियल में मत करिए क्योंकि कॉमर्शियल में बहुत ऊपर तक जाना होता है, अगर आपने 7.5 रखा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद आपके पास ट्रेड होता है, ट्रेड की आपको जो साइज रखनी होती है, रखनी पड़ती है 9 इंचेस। व्हाट 9 इंचेस? तो आपको ट्रेड का याद रखना है साइज कितना होगा 9 इंचेस। अब इसके बाद आपका जो विड्थ होता है, लाइक आपने देखा होगा कि स्टेयर केस का विड्थ होता है, अब रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए तो विड्थ जो होता है वो हमेशा फिक्स है, क्या है 3 फीट, बट कॉमर्शियल में डिपेंड ऑन द साइज, ठीक है, क्योंकि 5 फीट भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि जितना कॉमर्शियल, कितने राइज तक आप जा रहे हो, कितना आपके पास जगह है उसके हिसाब से, बट रेसिडेंशियल के लिए आपको फिक्स है कितना 3 फीट। तो आप घरों में आप जब भी प्लानिंग कर रहे हो तो इस डाटा को आप यूज कर सकते हो। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अभी SSC JEE में क्वेश्चन भी आया था ये, तो ये क्या क्वेश्चन था, ये देखिए आप लोग, GL to PL आपका ये क्या होता है, ग्राउंड लेवल, सबको पता है ये क्या होता है, प्लिंथ लेवल, सबको पता है। लेकिन जब इसमें साइज की बात आती है कि स्टैंडर्ड साइज क्या है जीएल टू पीएल की, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जीएल टू पीएल की हाइट क्या है। वैसे दोस्तों आपको आज से कंफ्यूजन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि स्टेयर केस का जीएल टू पीएल जो हाइट होता है वो होता है 1 फीट 6 इंचेस, 1 फीट 6 इंचेस। अगर किसी ने बोला कि केवल इंचेस में बताइए, तो आपको क्या करना है, यहां बता देना 18 इंचेस। कंफ्यूजन भी यहां पे दूर हुआ होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं, बट आपको नहीं आती, आप मीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू फीट, फीट फीट टू इंच, ये चीजें आपको अच्छे से कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा इस पर भी एक वीडियो आपको बताऊंगा कि इसमें यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अभी इसमें कई चीजें और भी हमको डिस्कस करना बाकी है, जैसे कि वॉल की साइजेस, रूम का स्टैंडर्ड साइज, रूम के लिए स्टैंडर्ड IS कोड कौन सा यूज करते हैं, IS 1200, उसके बारे में थोड़ा डीप में। क्या आपको ये वीडियो अच्छे लग रही है, सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है जिसमें हम स्टैंडर्ड साइजेस और स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में डिस्कस करें, तो आप कमेंट करिएगा नीचे कि यस सर हमें ये चाहिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पे और ज़्यादा टॉपिक्स लेके कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज़।